हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। 2017 अलविदा कहने वाला है और 2018 आने वाला है। नए साल अपने साथ नया जोश, नई उमंग और नई उम्मीदें लेकर आता है। कई सारे ऐसे अधूरे वादे होते हैं, कई सारे अधूरे काम होते हैं जो हम इस साल नहीं कर पाते और सोचते हैं कि नए साल पर इसे पूरी जी जान लगाकर पूरा करेंगे और इसके लिए तरह तरह के रेजुलेशन भी बनाते हैं। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का रेजुलेशन बनाते हैं तो कुछ लोग कुछ नया करने की, पर कुछ समय के बाद ही हम इन सारे रेजुलेशन को भूल जाते हैं। लेकिन चलिए आज हम आपको फिर से कुछ ऐसे रेजुलेशन के बारे में याद दिला देते हैं जिन्हें आपको 2018 में जरूर करने चाहिए ताकि आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सिक्योर रह सकें। पहला रेजुलेशन है बचत करने का। जी हाँ, हम में से हर कोई बचत तो करना चाहता है लेकिन अक्सर बहाना बनाकर टाल देते हैं। कभी पैसा ना होने का तो कभी सैलरी बढ़ने का बहाना। लेकिन याद रखिए, बचत एक ऐसी चीज है जो जितनी जल्दी शुरू की जाए उतनी ही मासिक प्रीमियम और ज्यादा रिटर्न देती है। आज SIP, PPF और म्यूचुअल फंड जैसे तमाम विकल्प हैं जिनमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए देर ना करें और दिसंबर की सैलरी से ही इसे शुरू कर दें। इसके अलावा इंश्योरेंस भी लें। जी हाँ, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन इस सबक के सही मायने शायद ही हमने कभी समझने की कोशिश की हो। ऐसे में कोई विपदा या फिर कोई बड़ी बीमारी, दुर्घटना या फिर मौत ही क्यों ना हो, पूरे परिवार को संकट में लाकर खड़ा कर देती है। नए साल पर सबसे पहला काम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर करें। मेडिकल बीमा, दुर्घटना बीमा और टर्म प्लान आपको आपके और आपके बाद परिवार के सिक्योर भविष्य की गारंटी देते हैं। तीसरा रेजुलेशन वो है जो अक्सर आप भूल जाते हैं या फिर टाल देते हैं और नतीजा आपकी बढ़ती हुई तोंद या बढ़ता हुआ BP या फिर बढ़ता हुआ शुगर। जी हाँ, क्या आपने अपनी निकलती हुई तोंद पर ध्यान दिया है या फिर कभी BP या शुगर चेक करवाई है? अगर नहीं तो इसका वक्त आ गया है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जिम नहीं जा सकते तो योगा ही करें या फिर आसपास के पार्क में टहलना या जॉगिंग का नियम बना लें। ये आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रखेंगे बल्कि कई बीमारियों से भी दूर रखेंगे। इसके अलावा आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे जिसके चलते आप ऑफिस और घर में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। चौथा ये कि आप जंक फूड से तौबा करें। ऑफिस में काम करने वाले लोग लंच या टी ब्रेक में आमतौर पर जंक फूड पर टूट पड़ते हैं। अगर आप भी इनमें से ये हैं तो संभल जाइए। पिज्जा, बर्गर, तली हुई चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी, नमकीन या मैदे के बिस्किट आपको बीमार करने की गारंटी देते हैं। इसकी जगह आप घर से हेल्दी फूड ले जाएं। इसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ें। कॉलेज टाइम को याद कीजिए जब तमाम बुक पढ़ने का मन करता था लेकिन ना तो किताबें खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही कोर्स की किताबों के बाद दूसरी किताबें पढ़ने का समय मिलता था। उस लिस्ट को फिर से दिमाग में तरोताजा कीजिए और अपने पढ़ने के शौक को पूरा करिए। अगले 12 महीने में आप 12 बेहतरीन किताबें भी पढ़ सकते हैं। ये आपको न सिर्फ आत्मिक संतुष्टि देंगे बल्कि आपके विचार को भी मैच्योर बनाएंगे। इसके अलावा इस साल थोड़ा सोशल भी हो जाएं। ये सोशल का मतलब सोशल मीडिया से नहीं है। जी जनाब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से बाहर भी एक दुनिया है जिसे आप पहले कुछ समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वर्चुअल दुनिया के दोस्तों से जाकर मिले, अपने किसी रिश्तेदार से मिले, दोस्तों, पड़ोसी, इन सभी से मिले ताकि आपके रिश्ते और भी गहरे हो सकें। सिगरेट और शराब से तौबा करें। जी हाँ, ये एक ऐसा रेजुलेशन है जिसे आप हर साल लेते होंगे और उसे तोड़ने में आप ज्यादा वक्त भी नहीं लगाते होंगे। अपने आप को अपनी लत के सामने इतना कमजोर साबित ना होने दें। अपनी विल पावर को दिखाएं और शराब, सिगरेट, गुटखे जैसी गलत आदतों को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। अपने वार्डरोब पे भी जरा ध्यान दें। जी हाँ, इस साल ये भी करें। उनमें से कई सारे ऐसे कपड़े होंगे जिन्हें आपने कभी पहने भी नहीं होंगे। ऐसे कपड़ों को जरूरतमंदों को दान दे दें। साथ ही कुछ ऐसे कपड़े खरीद कर भी ले आए जिन्हें आपने अभी तक ट्राई ना किया हो।
और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है कि आप अपने परिवार को समय दें। जी हाँ, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें अपना थोड़ा समय भी दें। बच्चों के साथ छुट्टियाँ बिताएं, पत्नी को अपना थोड़ा सा रोमांटिक साइड भी दिखाएं और माता पिता के साथ उनकी परेशानियों को और उनकी तकलीफों को समझने का वक्त दें, क्योंकि जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं उनका थोड़ा हक तो आपके समय पर भी बनता है, जिसे आप शायद आज के लाइफस्टाइल में भूल गए हैं। तो दुनिया के सारे झमेलों से थोड़ा वक्त निकालें और इसे पूरा का पूरा अपने परिवार को दें। आपका ये कदम आपके परिवार के लिए किसी न्यू ईयर गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो नया साल आने वाला है, जाहिर सी बात है कि आपने भी बहुत तरह के रेजोल्यूशन ले रखे होंगे और आपके ये रेजोल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो 4-5 दिन में ना टूटे बल्कि पूरे साल तक चलते रहे। इससे न केवल आपकी जिंदगी बेहतर होगी बल्कि खुशहाल भी होगी। तो आप पूरी शिद्दत के साथ अपने इन रेजोल्यूशन को फॉलो करिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही आप सभी दर्शकों को बोल्ड स्काई की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।